हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई, अगर आपको कोई बच्चा बोले ना कि पेपर मुश्किल आया है, कोई आपको बोल दे पेपर लेंथ नहीं आया है ना, मैथ्स का तो मैं बोल ही सकता, तो समझ लेना वो पढ़ा नहीं था, तभी वो ऐसा बोल रहा है। अगर वो पढ़ा होता तो कभी भी पेपर को डिफिकल्टी बोलता और ना ही लेंथी बोलता। पेपर बड़ा ही आसान, बड़ा ही डूएबल। जैसे फर्स्ट शिफ्ट आई थी ना, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने ये बोला था कि बच्चे बड़े खुश निकले हैं, वैसा ही सेकंड शिफ्ट में भी लोग कह रहे हैं हम 22-23 क्वेश्चन कर देंगे, है ना। सब क्वेश्चन देखे हुए, हाँ, 200 के ऊपर का अटेम्प्ट है, सब क्वेश्चन देखे हुए, 22-23 क्वेश्चन बड़े आराम से, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। तो यार बहुत ही, आप कह लीजिए, एक जैसे जेई मेन्स के पेपर होते हैं, जैसे आपको बताते हैं कि जेई मेन का पेपर आएगा, डुएबल पेपर आएगा, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप कर पाएंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है ना। अगर आप पढ़े हैं तो कर पाएंगे, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है ना, कि हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा, हमने मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा, वहाँ पे शंटीनोमियल थ्योरम आ गया ना, ऐसा कुछ नहीं आया है, ठीक है। जो जो पढ़ा है वही सब आया है। तो अगर आपका पेपर 25, 26, 27, 28, 29 को आए, तो निश्चिंत हो जाएं, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, बेफिक्र हो जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बाय चांस आने वाले दिनों में शिफ्ट लेंदी आ भी गए, तो कोई नहीं, स्कोर नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप अपने जितने क्वेश्चन आते उतने तो कर सकते हैं ना, उतने क्वेश्चन कर दीजिएगा, और कोई टेंशन की बात नहीं है ना। वैसे तो पेपर डूएबल ही आएगा, कभी कभी लेंथी सवाल आए थे, बट अभी तक तो नहीं आए, ठीक है, अभी तक तो आए नहीं है। बाकी पेपर को डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा, ये तो अभी बच्चों के रिएक्शन है, जो लोग देख के आए वो मैसेज करते रहते हैं। आपका भी पेपर हो जाए तो आप भी हमें मैसेज करके जरूर बताइए कैसे गया पेपर, है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से पेपर को यार अटेम्प्ट करिए, है ना, आराम से, पीस ऑफ माइंड के साथ, है ना। कोई भी आपको फर्स्ट स्टूडेंट रिएक्शन होते हैं ना, बाहर आके कहते हैं मैथ बड़ा टफ आया है, मैथ बहुत लेंदी है, ऐसी पढ़े तो है नहीं, अब मैथ भाई तुम्हारे लिए टफ ही आना, और तुम पढ़े नहीं तो लेंदी भी तुम्हें लगेगा ही, ठीक है। कितना पेपर अटेम्प्ट कर लिए, कर सर 5 ही क्वेश्चन हो, तो भाई तुम्हारे लिए क्या लेंदी था है, जब तुम 5 ही क्वेश्चन करके आए, तुम्हें तो फिर आता नहीं था ना। लेंदी तो वो बोले जिसके 22-23 क्वेश्चन हो गए, सर लेंदी बड़ा था, 2 क्वेश्चन रह गए मेरे। तो घबराइए नहीं, ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे नहीं तो मेरे पे रखिए, ठीक है, मेरे से पढ़े हैं तो, ठीक है, हैव सम कॉन्फिडेंस, एंड आई एम प्रेटी मच श्योर, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 दोनों में अभी यही निकल का है, कुछ ऐसा सरप्राइज नहीं दिख रहा है, सब स्टैंडर्ड चीज़, बिल्कुल नहीं घबराइए, निश्चिंत हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा बहुत टाइम अपना फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करिए, और शांति से कल जाके अपना पेपर दें, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम बढ़िया मजे में जाना है, और कॉन्फिडेंस के साथ, सतर्क हो गया ना, सतर्क रहना हमेशा, है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सतर्क हमेशा रहना, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और बढ़िया पेपर करके आएंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी ये जो मेरे चेहरे पे हंसी है वो बरकरार रहेगी, ठीक है, और आपको अपडेट देते रहेंगे, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।